हैं उनसे ये लोग पानी का निकास करते हैं। आपने करबला पोखर की बात की, इससे पहले एक जनता फर्नीचर वो भी पानी में डूबा हुआ था, पर हमने जो है 35 HP का पंप लगा के पूरा जल की निकासी कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। सर, उधर का पानी आप जो है करबला पोखर की तरफ, यानी नाला जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ त्रुटियां हैं, जो पश्चिम यानी हॉस्पिटल चौक से जो पूरब की तरफ जो है नीम चौक की तरफ नाला को ले जाना था पूरा, इधर का पानी सीधा नदी में गिराना था, तो वो पानी अब जो है करबला पोखर के साइड वाले जो पूरे मोहल्ला है उसमें घुस रहा है पानी। सर, प्रतिदिन बनाते हैं तो उसमें से जो है जो फालतू का जो चीज निकलता है उसको जो हम लोग रोड पर फेंक देते हैं, उसको रोड पर नहीं फेंकना है, उसको क्या करना है, कौन डिब्बा में रखना है, कौन डिब्बा में, डस्टबिन, हर डिब्बा में ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, अगर प्रदूषण चाहो तो चक्कर काटेगा और सीधे जो है पीएमसीएच और पटना का चक्कर काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि घर का जो हमारा साग सब्जी बासी भोजन ये सब है, इसको हम लोग कौन डिब्बा में डालेंगे, हाँ हरा डिब्बा में डालेंगे, और ताजपुर की जो है नगर परिषद की जो गाड़ी है वो आएगी, उसको हरा डिब्बा में डालना है। जिस बूथ में रहते हैं वहाँ के स्वच्छाग्रही बनने का आप प्रयास करें, वहाँ पे अगर आप देखें किसी क्लासमेट को किसी बच्चे को उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाना है, किसी को देखें कि पब्लिक में वो यूरिनेट कर रहा है उसको प्यार से समझाएं, और आप लोग अगर इस चीज को मन में लेके चल रहे हैं तो धीरे धीरे जो हम कहा जाता है हमारे गाना भी है कि नेता तुम ही हो कल के, यानी जो बच्चे हो नेता है कल के, तो आप लोगों की पीढ़ी अगर सुधरेगी तो हमारा बिहार जो दूसरे राज्य की अपेक्षा में काफी आगे बढ़ेगा, हमारा नगर परिषद ताजपुर दूसरे नगर निकाय की अपेक्षा में सबसे सर्वोत्तम निकाय अगर बिहार का कोई है तो ताजपुर बन सकता है, इसके जो आने वाली पीढ़ी है आप लोग सब लोग हो सकते हैं। तो अभी मेरा एक और प्लान है, आपके सारे स्कूल में मैं चाहूंगा सारे प्रधान चाहे इसमें सहयोग करें, आपके सभी स्कूल में जो नुक्कड़ नाटक की टीम है हो जाएगी वो नुक्कड़ नाटक करेगी। नगर परिषद ताजपुर में किया गया सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान का आयोजन, नगर परिषद ताजपुर के कार्यपालक पदाधिकारी सचिन कुमार के नेतृत्व में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत पिछले 2 महीने में विभिन्न कार्यशालाओं एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसका समापन समारोह आज LKBD कॉलेज ताजपुर सभागार में किया गया। इस समापन समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद के सभापति श्रीमती अनीता कुमारी ने किया। इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता विषय पर ताजपुर अवस्थित विभिन्न विद्यालयों में निबंध लेखन चित्रकारी क्विज जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर बैनर पोस्टर नुक्कड़ नाटक खूबसूरत दीवार चित्रकारी आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जगह जगह पर लोगों की से स्वच्छता शपथ भी दिलवाया गया। सफाई कर्मियों के बीच सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ टी शर्ट वितरण कर स्वच्छता की अलख जगाई गई। आज आयोजित समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीते हुए विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चे फूले नहीं समा रहे थे, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नाटक का भी आयोजन किया गया जो कि सभी को काफ़ी मज़ेदार लगा। सफाई अपनाओ, कहाँ ले,
हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं ताजपुर नगर परिषद के LKBD कॉलेज के प्रोग्राम हॉल में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान नगर परिषद ताजपुर के तरफ से जो है ये जो है विभिन्न विद्यालयों में किए गए कार्यशालाओं तथा प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह हुआ था, जिसमें अभी हमारे सामने यहाँ पर मिथुन कुमार जी है, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी है। इनसे हम बात करेंगे सफाई को लेकर। सर, आप लोगों ने अभी जो प्रोग्राम किया था यहाँ पे, इससे रिलेटेड क्या कुछ कहना है आप लोगों को? देखिए, हमारा नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अपने नगर निकाय में चलाना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों के प्रति, सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि ये सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निकाय की नहीं, सभी लोगों की होती है। उसी कार्यक्रम के तहत हम चार विद्यालयों में जाके प्रतियोगिता, जैसे निबंध, क्यूज और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किए थे, और उसमें सफल विनर को आज पुरस्कृत किया गया था। कितने लोग जो है शामिल आज हुए थे इस प्रोग्राम में? लगभग 200 का संख्या रहा होगा, जिसमें कि विभिन्न विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं और उनके प्रधानाचार्य थे, शिक्षक थे, और हमारे नगर परिषद ताजपुर के वरीय पदाधिकारी थे, मिथुन सर थे, और जो हमारे नगर परिषद ताजपुर के सभापति महोदया थी, उपसभापति प्रतिनिधि थे, विभिन्न लोग थे इस कार्यक्रम में। सर, अपने बारे में? मैं धीरज कुमार सिंह मेरा नाम है, और मैं यहाँ पे सफाई प्रबंधक हूँ। जो एजेंसी कार्यरत है उसमें मैं प्रबंधक का काम कर रहा हूँ, और कहाँ पे पूरे क्षेत्र में कहाँ साफ सफाई में त्रुटि है या फिर कोई समस्या है, उस समस्या का निदान मैं करता हूँ। सर, अभी जो है ताजपुर जो है पूरी तरह से जो बरसात का जो पानी है उसमें जो है डूबा हुआ है। आप करबला पोखर के पश्चिम साइड में अगर जाएंगे तो वो पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है, तो उसको लेकर आप लोगों को क्या? देखिए, बरसात के टाइम में जब किसी दिन अचानक से बारिश होती है तो बारिश पानी जल जमा होता है, लेकिन उसके निकास की व्यवस्था की गई है। जैसे आप अभी जाते होंगे करबला पोखर के बाद में, तो वहाँ पर कच्चा नाला बना के पानी का निकास किया गया है, और बाकी हमारे पास 35 HP के 2 बड़े पंप हैं, उनसे ही हम लोग पानी का निकास करते हैं। आपने करबला पोखर की बात की, इससे पहले एक जनता फर्नीचर, वो भी पानी में डूबा हुआ था, पर हमने जो है 35 HP का पंप लगा के पूरा जल की निकासी कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। सर, उधर का पानी आप जो है करबला पोखर की तरफ, यानी नाला जो बनाया गया है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं, जो पश्चिम यानी हॉस्पिटल चौक से जो पूरब की तरफ जो है नीम चौक की तरफ नाला को ले जाना था, पूरा इधर का पानी सीधा नदी में गिराना था, तो वो पानी अब जो है करबला पोखर के साइड वाले जो पूरे मोहल्ला है उसमें घुस रहा है पानी। सर, देखिए, नाला का जो भी ताजपुर में नाला बनाना है वो एक इंटीग्रेटेड वे में बनाया जा रहे हैं, जिसे हमने अभी हॉस्पिटल चौक से नीम चौक की ओर बनाया है, वो अभी नाला आगे बढ़ा नहीं, तो अभी उसका पानी कहीं गिर नहीं सकता है, तो उसका टेम्प्रोरी निकास के लिए उधर किया जा रहा है। जब आज से 1-2 साल बाद जब हमारा पूरा इंटीग्रेटेड नाला सिस्टम बन जाएगा कि यहाँ का नाला वहाँ कनेक्ट है, वहाँ का नाला वहाँ कनेक्ट है, तो शहर में कहीं भी जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। पर अभी वर्तमान में अब क्या कह सकते हैं, उसको मजबूरी है कि सर काली मंदिर करबला पोखर के दक्षिण साइड में, अब काली मंदिर के बगल में जो एक जो पुलिया बनी है छोटी सी, हाँ, उसके वजह से भी जो है वहाँ पर बहुत डूबा हुआ रहता है वो इलाका, तो पुलिया का तो निर्माण कर दिया है, लेकिन रोड को ऊंचा नहीं किया गया, जिसके वजह से इस तरह का। देखिए, रोड का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं, अभी जो प्रायोरिटी बेस्ड है वहाँ पर रोड बना हुआ था, रोड नीचा है, उसका अगले साल जो है प्रयास किया जाएगा कि अगले फिर से मरम्मति में रोड ऊँचा करके बनाया जाए। अभी कुछ और वार्डों में रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वक्त जो है मैं LKBD कॉलेज ताजपुर में मौजूद हूँ, और सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत जो है नगर परिषद ताजपुर के अंतर्गत जो है ये विभिन्न विद्यालयों में किए गए कार्यशालाओं तथा प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें अभी मैंने जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन लोगों से मैंने बात किया, और आज दिनांक 30/8/2024 शुक्रवार के दिन जो है मुख्य पार्षद के रूप में यहाँ पर श्रीमती अनीता कुमारी, श्रीमती पूनम देवी, और जो कि उप मुख्य पार्षद, और सचिन कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, इन लोग जो है यहाँ पे जो है भाग लिए थे अभी इस प्रोग्राम में। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, और पूरे इलाके में ज़रूर फैलाएँ, ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए, एक सही मैसेज जाए, ताकि लोग अपने आने वाले दिनों में जो साफ़ सफाई अभियान को बरकरार रखें, साफ सफाई अपनाएंगे, बीमारी भगाएंगे। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा जनता की आवाज़ अब तक का, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ।
सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।